हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लच्छा पराठे की रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है मैदा। हमने टोटल 4 कप इसमें ऐड किए हैं। ऐड कर लेंगे एग ताकि इसके अंदर स्मूथनेस रहे। ऐड कर लेंगे शुगर। हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से कलर आ जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और ऐड कर लेंगे मिल्क और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें डो बना लेना है। डो हमें ज़्यादा स्मूथ नहीं रखना है स्टार्टिंग में, ये खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगा। तो ध्यान रखिए डो हमें हल्का सा हार्ड रखना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम एक बॉल में ऑयल ग्रीस कर देंगे और डो को आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसका हम लिड लगा देंगे और इसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय बाद आप देख सकते हो डो हमारा डबल हो चुका है और इसकी स्मूथनेस आप चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसे हम हल्का सा भून लेंगे इस तरह से। फिर हम इसके बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। इसे हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और सारे 1 by 1 जो हमने आटे के लुई बनाए हैं उनसे हम इसमें रखते जाएंगे। इसे हम ऑयल या घी से ब्रश करके रखते जाएंगे ताकि ये ऊपर से सूखे ना। इस तरह से हम इसके बॉल्स बना के रख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो चलिए हम सारे पराठों को बेल लेंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए इसे हम ग्रीस कर लेंगे घी ऑयल से। सारे पराठों को हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। फिर हम इसे हल्का सा डस्ट कर देंगे आटे को। इस तरह से रब कर देंगे और सारा एक्स्ट्रा आटा जो है हम साइड में हटा देंगे। चाहो तो ऊपर से या नीचे से इसके इस तरह से प्लेट्स बना सकते हो। तो हम इसके इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे 1 by 1। इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और प्लेट्स बनाते जाएंगे इस तरह से और इस तरह से टैप करते जाएंगे। इस तरह से हम इसकी सारी प्लेट्स बना लेंगे और इसे हल्का सा इस तरह से टैप करेंगे। इसे फोल्ड करने के 2 प्रोसेस है। आप चाहो तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। या फिर आप इसे इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो अपने फिंगर्स के बीच इस तरह से लेके इस तरह से घुमा सकते हो। इसे हम ऑयल या घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। इसी प्रोसेस से हम सारी लोई को बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सरफेस पे हम ऑयल लगा लेंगे और बेलन पे भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हम अपने हाथों की मदद से ही टैप करते हुए इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। इसे हम बेल लेंगे हल्का सा। इस पर ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करें, हल्के हाथों से इस तरह से रोल कर लें। पराठों का साइज आप अपने आप अभी रख सकते हो और इसे हम हल्का सा इस तरह से बेल लेंगे। फिर हम एक साइड पैन को रख देंगे गर्म होने के लिए। फिर हम इस पर ऐड कर देंगे पराठे को, हल्का सा हम सेक लेंगे। फिर हम इस पर अप्लाई कर देंगे घी और घी में इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे इसके अच्छे से अच्छे घुलने लग जाएंगे। देख सकते हो हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा है इसके लेयर्स ओपन होने लगे हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके और ज़्यादा लेयर्स ओपन हो गए। इसे हम हल्का हल्का सा इस तरह से फ्राई करेंगे।
और ये हमारे लच्छे पराठे सर्व होने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी।